हाय गाइस, माय नेम इज़ नैयर अब्बास और आज का टॉपिक है अंडों का सालन। देखिए, जो अंडा है ना, उसको तकरीबन हर जगह इस दुनिया में सुपर फूड डिक्लेयर कर किया गया है। सुपर फूड इस सेंस में कि अंडा जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर है, जस्ट 1 ग्राम है। अच्छा सोर्स है आपका प्रोटीन का और ऐसे विटामिन्स का जिसकी आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो जो अंडा है उसको वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़े से खाया जाता है, अंडे को खाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। जब आप जल्दी में या आपने थोड़ा सा ऑयल डाला या घी डाला और बना दिया अंडा, लेकिन माय डियर्स, अगर हम अंडे को बॉयल करें तो बॉयल करके खाना ज़्यादा हमारी सेहत के लिए मुफीद है। अब बॉयल करके तो हम खा लेंगे, लेकिन हमें अजीब फील होता है। शुरू से हम बचपन से ही, जब से हम बड़े हुए या बूढ़े भी हो गए, तो बॉयल अंडा हमें अच्छा नहीं लगता था। यही हमारे बच्चों का मसला है, उनको बॉयल अंडा खिलाएं तो कहते ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो अंडे को बॉयल्ड अंडे की अफादियत बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है। अब मसला यही है कि हम खाते नहीं हैं बॉयल्ड अंडा, तो क्यों ना हम बॉयल्ड अंडे को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वो देखने में भी अच्छा हो, खाने में भी अच्छा हो और फिर हमारे बच्चों को पसंद भी आए। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है मैं कहूँगा अंडा, क्योंकि उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, जो उनका जहन डिवेलप हो रहा होता है, तो उसके लिए अंडा बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ग्रोइंग चाइल्ड में। जब हमारे बच्चे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल से गुजर रहे होते हैं और उनका दिमाग की ग्रोथ हो रही है, साथ साथ अंडा जो है उनका ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, उनके दिमाग को बनाने के लिए, उनकी विजन के लिए। तो अगर हम अंडों का एक सालन बनाकर रिप्रेजेंट कर लें अपने बच्चों, तो आप यकीन करें कि वो फिर दोबारा यही कहते हैं कि हमें अंडों का ही सालन बना कर दें। जो अंडा वो नहीं खाते वो खाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अंडा जब बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद अंडा जब सालन या ग्रेवी में डल जाता है, ग्रेवी के अंदर, तो वो ग्रेवी अंडे में एब्जॉर्ब भी होती है थोड़ी सी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो मसाले, वो फ्लेवर, वो टमाटर का जो एक ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी होती है, तो उसका जो अंडे का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मीन वायरस में जो पोटेंशियल है अंडे के अंदर आपको विटामिन देने का, आपका वो भी कायम रहता है। तो इस तरीके से बच्चों में अंडे के लिए एक बहुत ज़्यादा एक एपेटाइट डेवलप होती है और आपका बच्चा जो है बार बार यही कहता है कि प्लीज़ वही पकाएं। बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं अंडे के सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अंडों का सालन बनाना है आपको, सबसे पहले अंडों को बॉयल करना होगा और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं फिर बताऊँगा आपको, सर शेयर करेंगे। तो एनीवे,
अंडे को खाने का सबसे अच्छा तरीका जो है हमारे इलाके में, अगर हम कोई बंदा बॉयल्ड अंडे से नफरत करता है तो ऐसे तो अंडे को सबसे अच्छा तरीका बॉयल्ड एग खाना बेहतर है, लेकिन अगर हम इनोवेशन में जाएं और एक नई चीज़ डेवलप करें तो हम ये रेसिपी अपने घरों में लॉन्च कर सकते हैं। हम अपने डिशेज में जो डेली डिशेज बनाते हैं उनके अंदर ये अंडे के सालन की रेसिपी जो है ये भी हम रूटीन में चला सकते हैं। इसके चलाने का बहुत बड़ा फायदा होगा आपके बच्चों की और आपकी सेहत के हवाले से। लेकिन इसके लिए हमें स्टेप लेना होगा, हमें आगे आना होगा। देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसमें थोड़ा सा इर्तकाल आए और उसका उसकी टाइप चेंज करते हैं तो हम उसे एडिबल चीज़ को मज़ीद मोर एडिबल, बल्कि मोस्ट एडिबल बना सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा उसका शेप चेंज करना। तो अंडों का सालन जो है हमारे माशरे में बहुत कम लोग ही खाते हैं, यानी मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो हमारा एरिया है यानी KPK खान, यहाँ पर लोग बहुत, मैंने नहीं देखा किसी के घरों में अंडों का सालन बनता हो, किसी को इस तरफ सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि वो इस तरफ सोचे। लेकिन आप ये चीज़ लॉन्च करें, ये लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए और आपको। फिर मैं ये कहूँगा कि आजकल का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी होती जा रही है, होटलिंग नॉन अफोर्डेबल होती जा रही है। तो अपने घर के अंदर हम ये जो है ये तो कर सकते हैं ना कि हमने खाना तो है, चाहे महंगाई है चाहे जो कुछ है, हमने डाइट तो लेनी है, हमने खाना तो है, तो भाई क्यों ना हम अपने जो जो चीज़ खा रहे हैं, जो डिशेस जो रेसिपीज बना रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लाएं, कुछ थोड़ा सा तब्दीली लाएं। तो इस तरीके के साथ जो है हमारे हमारी कम से कम और कुछ ना हो तो हेल्थ तो बेहतर हो जाएगी। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जो हेल्दी रेसिपीज़ हम, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ये इन द बजट हैं, ये आम इंसान के बजट के अंदर होती हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा से खर्चा करना पड़ता है और बाज़ार से कुछ ख़ास चीज़ें मंगवाएं, वही चीज़ें हैं जो हम रूटीन में जो अपनी लाइफ में, सिर्फ ये है कि उनको ज़रा उनका पैटर्न चेंज करना है, उनको उन्हें तब्दीली लानी है उस अशिया में। तो ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आजकल देखिए आजकल इंटरनेट का दौर है। फिर मैं लास्ट में यही बात करता हूँ कि ये जो एक इंसान की डेवलपमेंट है इंटरनेट, इसने इंसान को बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज दिया है। मैं अपनी बात करूँगा, मैंने बहुत कुछ सीखा इंटरनेट से, बहुत ज़्यादा लर्न किया है। और लोग कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ इनकम ये वो, नहीं ऐसी बात, ये आपको नॉलेज देते हैं और उसे सबसे पहले अपनी सेहत पर इम्प्लीमेंट करें भाई। जो चीज़ ये लोग बताते हैं या जो लोग आप सीखते हैं, फर्स्ट इम्प्लीमेंट ऑन योर सेल्फ, देखें कि आप में क्या तब्दीली आई। जब आप में तब्दीली आ सकती है तो इस पैगाम को दूसरों तक तो ज़रूर पहुँचाएं ना, ताकि एक आम आदमी का भला हो। देखिए मैंने बहुत से फूड्स चैनल देखे हैं, लेकिन हेल्थी रेसिपीज़ जो हमारा एरिया है इसमें कुछ लोग नहीं सोच रहे इसके बारे में, जबकि हेल्दी रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा।
आज दिन हम ऐलान सुनते हैं मस्जिदों के अंदर, अजीब फोत हो गया, अजीब फोत, उसको हार्ट अटैक हुआ, इसको शुगर थी, इसका ब्लड प्रेशर था, इसका फालिक था। तो इन सब चीज़ों को बचाया जा सकता है हमारे मुआशरे के अंदर। देखिए डेवलप कंट्रीज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट। तो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग, हमारे लोगों में हेल्थ अवेयरनेस नहीं है जस्ट लाइक वेस्ट। तो हेल्थ अवेयरनेस को हमने अपने ही रेसिपीज में, देखिए हम कोई बाहर से चीज़ें नहीं लाएंगे, इन्हीं रेसिपीज में हल ढूंढेंगे अपनी सेहत का। यही अंडे हैं, यही दालें हैं, यही गोश्त हैं, इन्हीं में हमने अपनी हेल्थ तलाश करनी है। यही सब्जियां हैं जो हमारे इलाके में हैं। तो इस चैनल में मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरीके से हम, मैं जो अपनी इनोवेशन्स हैं वहाँ मैं पेश कर रहा हूँ ताकि लोग सीखें इन चीज़ों से। थैंक यू। लास्ट में यही रिक्वेस्ट कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।